गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा सैनी व्लॉग्स। तो आज मैं न्यू चैलेंज शूट कर रही हूँ कि आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये चैलेंज शूट करूँ कि इग्नोरिंग 24 आवर्स दिव्या, कि दिव्या को इग्नोर करना है 24 आवर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उसको मैं बताऊँगी भी नहीं कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब वो मुझे कोई भी काम कहेगी तो मैं उसका कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो देखते हैं कि दिव्या का रिएक्शन क्या रहता है। बिना दिव्या आ रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है। असल में ये जब भी मेरे रूम में आती है तो ये जो भी सामान बिगड़ा होता है, कुछ भी होता है बेड पे, तो उसको एकदम से समेटने लगती है। मुझे नहीं करनी, भाग जाओ यहाँ से बस। मुझे नहीं सुननी, भाग जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी। क्यों नहीं। जाओ यहाँ से, मुझे एक चीज करना। नहीं मुझे नहीं करवानी। क्यों? जाओ, मुझे बात नहीं करनी। मुझे नहीं जाना, बात सुनने। क्या कर रहे हो ये? मुझे नहीं सुननी, भागो यहाँ से। मुझे नहीं सुननी, मैं नहीं सुनने वाली हूँ, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं बोलना तुम्हारे साथ, नहीं बोलना मुझे तुम्हारे साथ। मत कर, मैंने क्या करा? कुछ नहीं किया। तो फिर रोज़ की क्यों? ऐसे ही रूट रखी। क्यों? मुझे नहीं करनी यहाँ से बात, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, मेरी क्लास चल रही है। मैंने बात करने की है। मत करो, जाओ। नहीं जाऊंगी, आप मेरी बात नहीं सुन लेके। मैं नहीं सुनूंगी। क्यों? भाग जाओ। नहीं भागूंगी मैं, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मैं तो जा रही, अभी बात नहीं करती। जाओ यहाँ से। अभी वो भाग गई है, चिढ़ के बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है मुझसे, अब भाग गई है वो। अब देखती हूँ जब वो आएगी, जब देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है, कि वो आती भी है नहीं भी आती, क्योंकि बोल के तो गई है कि मैं नहीं आऊँगी। अभी देखते हैं। अभी फिर से आ गई है मेरे पास, अभी देखो अब क्या कह रही है। दीदी खाना दे दो, दीदी खाना दे दो। कौन सा खाना? दाल चावल। क्यों? मुझे तो चाहिए। मैं बात नहीं कर रही ना, जाओ यहाँ से। क्यों? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। क्यों? मैं नहीं बात करनी मुझे। क्यों क्यों क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। जल्दी से तो ना चुपचाप क्यों बैठे हो? जल्दी चलो। मैं नहीं जानती तुम्हें। क्यों? जानते हो आप। जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मैं नहीं जाऊंगी। सो अभी मेरी क्लासेस तो ओवर हो गई हैं, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। सो बाय, अब मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेती हूँ। सो अभी वो फिर से चली गई चिड़के।
लेकिन अब मैं उसे और चिढ़ाने वाली हूँ। अब मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए, और खाना सिर्फ अपने लिए लेके आऊंगी, उसके लिए नहीं लेके आऊंगी, तो वो और ज्यादा चिढ़ जाएगी, देखना भी। सो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आपको सुनाने दे रहे क्या चलने जाते हो खाने का मांग दी दिल्ली से तो दिल्ली से सुनाई नहीं आ रहा क्या कुछ दिल्ली से तो दिल्ली से मैं दे रही क्यों नहीं दे रही आप ही तो मुझे दीदी आज खाना नहीं दे रही है क्या करो ये दीदी सुनाई देता है ना कुछ देखते तेज की भूख लग रही है मुझे बहुत अच्छा लगा था चल जाओ आपने बनाए चले से तो चलो तो ना क्यों नहीं तो दे जल्दी से तो तेरे नहीं बुझा मैंने देख लिया तुझे तेरे नहीं आप करना नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करने की सच्ची मच्ची बात नहीं बाद में बनने की सुनाई तो दिया हिंदी से तो जल्दी आपने खाना मुझे दिया नहीं तूने दिया सो भी अपना खाना तो मैं लेके आ गई हूँ। तो आज खाने में है दाल चावल और शक्कर। ठीक है, दिव्या ने मेरा फ़ोन देख लिया था तो उसने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, तो मैं मुझे तो इग्नोर करना था, तो मैंने उस टाइम पर उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा तरस भी आ गया था, मुझे थोड़ा सा तरस आ गया था उस पर, तो मैंने उसके लिए खाना भी डाल के रख दिया था। वैसे उसको मिल जाएगा, वो ढूंढ रही है रसोई में, तो उसको खाना वो मिल जाएगा, तो खा लेगी वो, यहीं आके खाएगी, देख लेना। मैंने तो कहीं नहीं छुपाया था, नहीं छुपाया मैंने। अच्छा दिख गया था तुम्हें। चलो वैसे वैसे तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, जाओ यहाँ से। क्यों मैं नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है तुमसे, क्योंकि तुम गंदी हो। अच्छी लग रही है।
क्या चाहिए? क्या करानी है? क्या करानी है? पता नहीं। तो फिर पता नहीं जो जो बात करने में से बहुत ज्यादा दिव्या को परेशान कर दिया है, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा उस बेचारी को परेशान करने का। तो भी देखते हैं, चलो आगे अगर कुछ बन पाता है तो ठीक है, वरना फिर यहीं पे चैलेंज ये बंद करते हैं, बहुत हो गया। सो मेरा चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर भी की है दिव्या की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब मैं दिव्या को इस तरह से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मेरा और उसका बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट है और हम खाना पीना सब कुछ एक साथ करते हैं। तो कल उसे इग्नोर करके दिल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ा, पर कोई नहीं, चैलेंज करना था तो कर लिया। और रात में, लेकिन हम रात में भी और दिन में भी जब भी हम सोए थे साथ में सोए थे, लेकिन मैंने उससे बात बहुत कम करी है। और वो मुझसे पूछती रही, मैंने ऐसे क्या किया जो मुझसे नाराज़ हो, मैंने ऐसे क्या किया जो मुझसे नाराज़ हो। बट मैंने उसे बताया नहीं क्योंकि मैं उसे परेशान कर रही थी। सो मुझे बहुत मज़ा आया वैसे, पहली बात तो उसको ऐसे इरिटेट करके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दिव्या को इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद अब मेरे शब्द ही ख़त्म हो गए थे, तो बस मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना है, तो मैंने फटाफट व्लॉग की एंडिंग कर दी। तो कोई नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग की एंडिंग अच्छे से करेंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।